you talked of your uh, uh, strategy, uh, the security strategy in the province, but if you just enlighten us, give us more information about the, your security situations, how you prevent these militants coming from the tribal area to come to peshawar, as people say that they come from the tribal area, they come and stay in peshawar, from peshawar to the rest of the provinces in punjab and sindh. what is the procedures? ऐसा है कि जहाँ तक आप दहशत गर्दों की बात करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रेटी है जो कि ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर पंजाब तक पहुँच जाते हैं ऐसा नहीं है ऐसा है कि दहशत गर्द है कहाँ और आए कहाँ से बुनियादी सवाल यह है जब तक अफग़ानिस्तान में रूस नहीं आया था तो इनकी बुनियाद नहीं थी रूस के आने के बाद अमरीका के मफाद की जो वहाँ पर जंग शुरू हुई तो उसके नतीजे में जो हमारे अफगानिस्तान से महाजिर बन गए थे उनको मुजाहिदीन बनाया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको अफगानिस्तान बेच के जहाद कराने लगे जो वहाँ पे फसादात शुरू हुए और एक जंग शुरू हुई फिर उसके नतीजे में जब नाइन एलेवन हुआ तो अमेरिका की पॉलिसी अक्सर बदल गई और उन्होंने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी थी जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा किया था उनके खिलाफ अमरीका खुद लड़ने लगी तो यहाँ पे उनका टकराव पैदा हुआ तो वहाँ से जब अफ अव, अमरीका अफ़ानिस्तान आया तो वहाँ से तालिबान वजीरस्तान आए तोरा बोरा पे उन्होंने गोलाबारी की तो वो वहाँ से वजीरस्तान आए और ये वजीरस्तान वज़ीस्तान बुवानी दहशत गर्दों का अड्डा है दारखिला है उजबक अरब चीचन ताजिक ये सब वहाँ पर मौजूद है लिहाजा ये एक बैकवी अड्डा है वज़रस्तान में फिर पंजाब से लोग आते हैं वजीरस्तान वहाँ पे चूँकि पंजाब में ख़ुद ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कलदम तनज़ीमें हैं उनकालदम तंजीमों के जेर निगरानी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और वो खुद विल ट्रेन है वो हमारे पुख्तूनों दहशतगर्दों से पंजाबी दशतगर्द ज़्यादा विल ट्रेन है क्योंकि पश्तू दर्द जो है वो बहादुर तो है वह लड़ने के तो काबिल है लेकिन उनकी इलम नहीं है वो किसी मदरसे पड़े पड़े हुए लोग नहीं हैं एजुकेट लोग नहीं हैं जदीद इलम उन्होंने हाथ नहीं की पंजाब के दहशत गर्दों ने जदीद इलम भी हासिल की है उनकी शक्ल सूरत से पता नहीं चलता कि वो तालब है हमारे पुख्तू की शक्ल सूरत से पता चलता है कि यह तालब है ये दहशतगर्द है इसको मारना आसान है पंजाब के दहशत गर्द का वो आपको फौजी वर्दी में भी मिलेंगे पुलिस के वर्दी में भी मिलेंगे वो अपना चेहरा भी छुपा सकते हैं वो मुख्तलिफ शक्ल में भी आ सकते हैं वो बेहरूपी के तौर पर अपने आप को पेश कर सकते हैं और वो ज़्यादा मुनज़म है लिहाजा वो यहाँ पे आके वज़ीस्तान में हमारे पुख्तनों को ट्रेनिंग देते रहे और इनको ट्रेन करते रहे और हमारे पुख्तून चूंकि खुद पुशत तो बोलने वाले थे तो गैर पश्तो बोलने वाले जो भी आए चाहे वो पंजाबी हो सिंधी हो बलोची हो या उर्दू बोलने वाला हो जो भी यहाँ पर आया उन्होंने कहा यह पंजाबी है तो पंजाबी तालिबान का लफ वहाँ पर सामने आया और आज कल लोग जो इस्तेमाल करते पंजाबी तालिबान का जो लफज है तो वो वहाँ से आया बेसिकली तालब तो इलम का तालब होता है ये तालब नहीं है ये दहशत गर्द हैं लिहाजा पंजाब में ख़ुद अपने दहशत गर्द मौजूद हैं उनका अपने एक नेटवर्क है यहाँ से उनको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ख़ुद उनकी एक वजूद है हाँ अलबत्त ये एक दूसरे से रबत ज़रूर रखते हैं रबिते रखने के मुख्तलिफ़रीक़े हैं एक तो ये आने जाने का तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के गोरीला वार में पता नहीं चलता कि कौन कौन है जब पता चले तो पकड़ा जाता है पता नहीं चलता तो राबित होते रहते मोबाइल के ज़रिए रबत होता है मैसेज़ के ज़रिए रबत होता है तरीकों से ये आपस में रबिते में रहते हैं लेकिन जिस तरह अफग़ानिस्तान से वजीरस्तान आए इसी तरह वजीरस्तान से पंजाब और पंजाब से वजीरस्तान ये आते जाते रहते हैं लेकिन मख्त तरीक़े से मख्तलफ शक्ल से जब सिक्योरिटी एजेंसीयों को पता चलता है जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उनको वहाँ पर रोक देते हैं वहाँ पर इनको पकड़ लेते हैं बहुत सारे दहशत गर्दों को हमने पकड़ा है बहुत सारे दहशत गर्दों को वहाँ पर मुकाबले में मारा भी गया है बहुत सारे दहशत गर्दों के टिकानों को ख़त्म किया गया है और इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी दहशत गर्द है आप इसको पंजाबी पख्तून का नाम देना मुनासिब नहीं है क्योंकि बुनियादी तौर पर ना पुख्तून दहशतगर्द है ना पंजाबी दहशतगर्द है ना सिंधी न बलोची दहशत गर्द अपना एक फनामिना है ये एक माफिया है और ये जिस कौम में भी है ये को, इसकी कौम से कोई वास्ता नहीं होता ये अपने आप अपने कौम को भी बमों से उड़ाते हैं ये अपने लोगों को भी बमों से उड़ाते लिहाजा ये दहशत गर्द न खुदा को मानने वाले हैं न रसूल को मानने वाले हैं न कौम को मानने वाले हैं न मत वतन को इनका एक ही पहचान है ये दरिंदे हैं और इन दरिंदगी के खात्मे के लिए हम तमाम पाकिस्तानियों को एक होना पड़ेगा और सारी दुनिया की सतह पे तमाम पुरानों को एक होना पड़ेगा और अमन दुश्मन गर्दों को टिकाने लगाना होगा जब हम इसको टारगेट नहीं बनाएंगे और कभी एक नाम पे इनको सहारा देंगे कभी दूसरे नाम पे तो ये मसला ख़त्म नहीं होगा लिहाजा इसी पर मैं इकफ़ा करूँगा कि दहशतगर्द दहशतगर्द है चाहे जो वो किसी भी सरजमीन से हो उनके खिलाफ जहाद होना चाहिए the army has made several operations in Khyber, in bajor in south waziristan and now conducting operations in orkazai there is a report saying that the army might take an initiative to, to go inside north waziristan uh, i know no, this area is not under your province control it's the, under the FATA, is under the federal government but of course it is bordering your province do you think और यू एक्सपेक्ट एनी रियक्शन जहाँ तक हमारे आ, पाक फौज का ताल्लुक है सिक्योरिटी एजेंसियों का ताल्लुक है इसमें पुलिस भी है नेवीज़ भी है एफ सी भी है चूँकि हमने मरक्कन डिवीजन में उनको कार्रवाई करते हुए देखा है बड़ी ईमानदारी से इन्होंने कार्रवाई की है हमारे फ़ौज को भी एक ज़रूरत है और वो ये कि पोलिटिकल जो आ, ऑनरशिप है वो उसको लेना पड़ेगा आज तक फौज तो कार्रवाई करती रही लेकिन किसी ने इस कार्रवाई को ऑन नहीं किया जब हमारी हुकूमत आई तो हमने ऑन किया हमने कहा कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल हुकूमत में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को सपोर्ट करे तो उसके मुकाबले में उनको कुर्बानी देनी पड़ती है जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी के साढ़े चार सौ हमारे अपने वर्कर्स लीडर्स और एम पी एस शहीद हुए ये कुर्बानी कोई दे नहीं सकता लिहाजा अवमी नेशनल पार्टी एक नजरियाती पार्टी है हमने सोच समझ के फौज के कार्रवाई को सपोर्ट किया इसलिए मरकन डिवीजन में वो कामयाब हुई हमने दहशत गर्दों के चेहरे को बेनकाब किया हमने मुजाकिरात किया और लोगों से कहा कि ये शहरियत नहीं मानते हमने शेरियत दिया यह इस रख दे लेकिन यह असलाह नहीं रखते इसलिए नहीं रखते कि इनको शहरियत नहीं चाहिए इनको हुकूमत चाहिए इनको दहशत गर्दी चाहिए ये मतवाजी हुकूमतें बनाना चाहते हैं ये बरबरीत चाहते हैं लिहाजा लोगों में शौर उजागर हुआ तो सियासी जंग वैकट पर हमने लोगों का शौर उजागर किया तो हमने सियासी जंग जीती फिर फौज ने बड़ी ईमानदारी से कार्रवाई की हमने ऑन किया तो फ़ौज ने फौजी कार्रवाई के ज़रिए फौजी जंग जीती अब चूँकि जिन लोगों को हमने पकड़ा है अदालत भी आज़ाद लिया है अब अदालत का इम्तहान है कि वो इन लोगों को कम से कम पांसी की सज़ा दे और जब वो सज़ा देंगे तो इन शह मुकम्मल तौर पर हम ये जी जंग जीत जाएंगे लेकिन जहाँ तक आपने ममंद एजेंसी की बात की साथ में फिर आपने कहा कि वहाँ पर भी कई बार ऑपरेशन हुआ फ़ौज ने किया इसी तरह वजीरस्तान में किसी हद तक हुआ औरजई में हो रहा है आपको यह बताता चलू कि ममंद एजेंसी और बाजवाड़ में भी ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुए कामयाबी तो उनको ये मिली कि उनके जो टिकाने थे वो ख़त्म हुए उनकी जो नेटवर्क थी वो ख़त्म कर दी लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ही ये लोग मौजूद है ये फिर से अपने आप को रिओर्गेनाइज करते हैं चूँकि गोरीला वार है और जब फौज को एक जगह पर कार्रवाई वो कर लेते हैं तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है बक वक़्त वो हर जगह पे कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि ये फौज के जो स्ट्रेटजी है ये उसके मुनाफी है उसके खिलाफ है अगर हर जगह पे वो ये काम करने लगे तो फिर उसको कामयाबी मिलने बड़ी मुश्किल होती है तो चार पाँच वक्त महाज़ों पे लड़ना आसान नहीं होता तो वो फिर रिओर्गेनाइज हो जाते हैं और इसी तरह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ती है लेकिन जहाँ तक औरगज है तो औरगज चूँकि इनका बहुत बड़ा मरकज़ था जब उनको हिट किया गया तो लाजमी बात है कि इनको फिर ये मुंद एजेंसी बाजवाड़ भी आए और खैबर और यहाँ पर भी आए और वो फिर से अपने आप को रिआर्गनाइज करना चाहते हैं और उनको ये ख़दशा है कि वजीरस्तान को ये निशाना बनाएंगे जब वजीरस्तान को निशाना बनाएंगे तो ये एक अलार्म सिचुएशन होगी ये एक ख़तरनाक सिचुएशन होगी इस सवाले से कि वो दारुल खिलाफ़े को किसी तौर ख़त्म होने नहीं देंगे और फौज को भी ये पता है कि हम जब वजीरस्तान को हिट करेंगे तो ये फिर जहां जहां पे दहशतगर्द है वहां वहां पे कार्रवाई शुरू करेंगे तो फौज पहले से ये बावर कराना चाहती है कि जहां जहां ये दहशतगर्द है पहले उनका खात्मा करें उन जगहों को मुकम्मल कंट्रोल करें और जब इनको यकीन हो कि जहां-जहां दहशतगर्दी वो खत्म हुए तो तब फिर वजीरस्तान पे ये हमला करेंगे और वजीरस्तान का सफाया करेंगे ये स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है माय लास्ट क्वेश्चंस द ऑफ कोर्स द सिक्योरिटी सिचुएशंस इज क्वाइट रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सिचुएशंस हाउ डू यू इवैल्यूएट योर इकोनॉमिक सिचुएशंस हियर इन द प्रोविंस ये बिल्कुल एक बुनियादी सवाल है और चूँकि मैं बार बार मना की बात इसलिए करता हूँ कि वो हमारे लिए एक मॉडल है हर लिहाज से चूँकि वहाँ पर अब फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है तो हमें अब ज़रूरत है रिहेबिलेशन की रिकनसट्रक्शन की उनकी सर असर असरनों तश्कल की दोबारा कारोबार शुरू करने की जब ये हम नहीं करेंगे तो दोबारा दहशत गर्दी पैदा होने की इम्कान मौजूद हैं उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना है कारोबार को वहाँ पे शुरू करना है सियाहत को वहाँ पे शुरू करना है लिहाजा जिस तरह मैं मलकंड की बात करता हूँ इस तरह हमारी ट्रेवल बिल्ड की इस तरह हमारे पश्तून बिल्ड की चूँकि हम बहुत पसमानदा हैं हम बहुत गरीब हैं और रही सही जो हमारी स्ट्रक्चर है वो दहशत गर्दी के हाथों तबाह हो चुकी है तो इसलिए सारी दुनिया को चाहिए कि अगर वो दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं तो इकतसदी तौर पर हमें सपोर्ट करें और अकतदी तौर पर सपोर्ट करने की हमें ये कि जहाँ हमारे स्कूल तबाह हुए हैं हम स्कूल दोबारा तमीर करें जहाँ पे अस्पताल तबाह हुए वो तमीर करें जहाँ पे सड़कें तबाह हुई सड़कें तमीर करें जहाँ मस्जिदें इमाम बारगाहें तबाह हुए वो तमीर करें और साथ में साथ में जो हमारे कारोबारी मराक़ हैं कारखाने हैं उनको असर नौ दोबारा शुरू करें जिस तरह हमारे मार्किट्स और दुकानें हैं उनको शुरू करें और जो लोग का बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है तो जो जो अमन आएगा और कारखाने शुरू होंगे तो बेरोज़गारी का खात्मा भी होगा तो ये भी दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए एक तरीक़ार है और ये लाजमी है और ये हर सूरत पर है लिहाजा सारी दुनिया अगर अमन चाहती है सारी दुनिया अगर दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है तो इसको अवलियत दे कि हमें सपोर्ट करें और ये मैं कहता चलूँ कि आपको दहशत गर्दों से लड़ने के लिए ऐसी कौम किसी सूरत नहीं मिल सकती कि वो अपने सरों को हथेली पे रख के इनके ख़िलाफ़ जहाद करे लिहाजा अगर हम खुदा न करे शिकस्त का गए तो सारी दुनिया दहशतगर्दी के लपेट में आएगी लिहाजा सारी दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि अगर वह दहशतगर्दी का खात्मा चाहते तो हम उनके लिए दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने जानों का नजराना पेश करते हैं इकतसादी तौर पर हमें सपोर्ट करें अफरादी क़वत हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारा कैदा है और हम समझते हैं कि दहशतगर्द गलती पर हैं वह इंसानियत की दुश्मन हैं हम हक पे हैं और हम इंसानियत के दोस्त हैं हम अमन चाहते हैं वह बदमनी चाहते हैं लिहाजा ये वक्त है कि इकतसादी तौर पर सारी दुनिया हमें सपोर्ट करे और हमें यकीन है कि इस दहशत गर्दी में हम दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे और सारी दुनिया की बका की ये जंग हम जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच